विदुर की धरती पर होगा आज सीएम का आगमन। नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। सीएम योगी के दौरे को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। बिजनौर मांडावर मार्ग को बंद रखा जाएगा, केवल जनसभा में पहुंचने वाले वाहनों की आवाजाही रहेगी। इसके अलावा अन्य वाहनों को किरतपुर नजीबाबाद से होकर निकाला जाएगा। बिजनौर से हरिद्वार जाने वाली रोडवेज बसें नजीबाबाद से होकर जाएंगी। इसके अलावा नुमाइश ग्राउंड चौराहे से कलेक्ट्रेट की ओर जाने वाली सड़क पर भी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। नुमाइश ग्राउंड चौराहे से विकास भवन तक जाने वाली सड़क को रेड जोन में शामिल किया गया है। इस सड़क पर सीएम योगी के बिजनौर में रहने तक बंद रखा जाएगा। सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर आज बिजनौर शहर में ई रिक्शा के संचालन पर पाबंदी रहेगी। सीएम योगी का विदुर की धरती पर आज आगमन होगा। प्रदेश के मुखिया के दो दिनों तक चलने वाले दौरे को लेकर अफसरों ने जिले में डेरा डाल लिया। एडीजी और डीआईजी ने बिजनौर पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। वहीं शहर से लेकर मालन नदी के तट पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में अधिकारी और कर्मचारी लगे रहे। नई पुलिस लाइन के मैदान में ही सीएम योगी जनसभा करेंगे। जनसभा स्थल के पास हेलीपैड बनाया गया है। वहीं एक हेलीपैड निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज स्वाहेड़ी में बनाया गया है। हालांकि पुरानी पुलिस लाइन में एक हेलीपैड पहले से ही बना हुआ है। सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा, जिसमें 3000 पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा इंतजामों के लिए मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी है। शुक्रवार की शाम ही ड्यूटी पर रहने वाले पुलिस कर्मी बिजनौर पहुंच गए थे। एक तरफ राजनीति के पहले नीतिकार महात्मा विदुर का सभागार होगा, दूसरी ओर प्रदेश की सत्ता के सर्वोच्च पद पर आसीन मुख्यमंत्री योगी आदित्य यह संयोग आज कलेक्ट्रेट में देखने को मिलेगा। कलेक्ट्रेट को सजाया गया है, जहां तिरंगा गलियारा बनाया गया है। यही पुराने बरगद के पेड़ों के नीचे रंगीन पत्थर डाले गए हैं। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में नया भवन काफी समय से तैयार हो रहा है। इसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। इसमें सेंट्रल एसी, बेहतर लाइटिंग के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होगी। इस सभागार को डीएम उमेश मिश्रा ने महात्मा विदुर सभागार का नाम दिया है। भवन के बाहर और अंदर महात्मा विदुर का नाम भी अंकित कराया गया है। विदुर कुटी को छोड़ दें तो मेडिकल कॉलेज के बाद यह दूसरा मौका है जब महात्मा विदुर के नाम पर किसी भवन का नाम रखा गया है। इस सभागार में सबसे पहली बैठक खुद सीएम योगी लेंगे। सभागार में न सिर्फ महात्मा विदुर का नाम लिखा गया है, बल्कि उनके चित्र के साथ उनकी नीतियां भी लिखवाई गई हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नया अपडेट लेकर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।